आज बनाएंगे गोभी की एकदम नई और तरोताजा रेसिपी जो शायद आपने कभी ट्राई नहीं करी होगी। ये जो गोभी की रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं, ये एकदम नए तरीके से बना के हमने तैयार करी है। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे तैयार किया जाएगा। सबसे पहले हमने एक गोभी का पूरा फूल ले लेना है और इसके हरे डंठल जो हैं वो गोभी से अलग कर लेने हैं। एक एक करके झटपट हमने सारे के सारे डंठल आपके सामने अलग कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि नीचे का भी डंठल आप अलग कर लें, और अगर कहीं गोभी में कीड़ा है तो उसे अच्छे से ज़रूर ध्यान से देख लें, और अगर है तो उसे निकाल लीजिए। गोभी अच्छे से हमने काट ली है और अब आप देखेंगे कि इसमें कोई भी अगर कीड़ा है तो उसे भी हम निकाल लेंगे, और गोभी एकदम साफ सुथरी है। लेकिन आगे इसके निशान कुछ हैं, मुझे लग रहा है कीड़ा तो कोई दिख नहीं रहा है, आगे कुछ इसके निशान हैं वो भी अच्छे से निकाल लीजिए। और अब हमें गोभी को कुछ देर बॉयल करना होगा या फिर हम कहें धोना होगा, ताकि इसमें जो भी गंदगी या कोई कीड़े का चांस है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए। तो हमने गैस को ऑन करके एक पतीला ले लिया, उसमें पानी डाल लिया और फटाफट से गोभी को हम 30-40% बॉयल कर लेते हैं कि थोड़ा पक जाए 30-40% और इसकी गंदगी भी सारी के सारी अच्छे से साफ हो जाए। इसको लगभग 5-7 मिनट आपको गैस पर रखना होगा मीडियम से हाई आँच पर, ताकि अच्छे से जो गोभी की गंदगी है वो निकल जाए और एकदम साफ सुथरी हमें स्वच्छ गोभी मिल जाए। तो वेट कर लेते हैं, पानी का एक बॉयल आ लेने देते हैं फटाफट से। तो लगभग अब इसका एक बॉयल आ चुका है, हमें बस इस गोभी को फटाफट से गैस को बंद करके बाहर निकाल लेना होगा। ये देखिए थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी और छलनी की मदद से इसका जो थोड़ा सा पानी है वो भी कम हो जाएगा। एक बॉयल और ले लेते हैं और बस गैस को हम कर लेंगे झटपट से बंद। छलनी पे दोस्तों हम इसको रख देंगे फिर उसके बाद कुछ देर के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए, सूखी हो जाए। और आप देख सकते हैं गोभी कितने अच्छे से साफ हुई है। तो चलिए गोभी को बाहर निकाल रहा हूँ अब मैं, और अब हमें फटाफट से इसको ऐसे सूखने देना है। और साथ ही में हमने कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा सरसों का तेल, और ये जो हमारी गोभी है अब ये सूख चुकी है तो इसको फटाफट से डाल देते हैं पानी में और करेंगे इसको डीप फ्राई। आज जो हम गोभी की रेसिपी बना रहे हैं दोस्तों, वो आपको मज़ा बहुत आने वाला है, बहुत नए तरीके से बन के तैयार हुई है। और जब भी आप इसे इस तरीके से बनाएंगे, आप मानिएगा आपको स्वाद ही आने वाला है। आपको इसको अच्छे से लाल कर लेना है, तब तक इसे पकाना है कि ये पूरी लाल हो जाए, पक जाए। आप चाहें तो इसकी जगह गोभी के टुकड़े करके काट के भी बॉयल करने के बाद फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं काटा, मैं डायरेक्टली आगे आपको बताऊंगा कि मैं क्या नयापन लाया हूं। तो चलिए ये अच्छे से, मुझे लगता है गोभी हमारी पक चुकी है। अब बस इसको आधे से एक मिनट में मैं बाहर निकाल लूंगा। ये पूरी क्रिस्पी हो चुकी है और पक भी चुकी है। तो लगभग 1-1.5 मिनट में ही अगर गैस अच्छा गर्म होगा तो अच्छे से पक जाती है, या आप 2-2.5 मिनट भी करेंगे तो इसमें कोई जलने वाली बात ज़्यादा आती नहीं है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर और उसके बाद एक प्लेट में रख लूँगा 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें अगर कुछ एक्सेस ऑयल हो तो वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाए। अब ले लेंगे दोस्तों हम एक कढ़ाई और उसमें डाल देते हैं तेल, इसका तेल निकलने देते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, और इसके बाद इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, साथ ही में डाल लेंगे थोड़ा सा हींग और डाल लेते हैं 2 कटे हुए प्याज। इसको आपको भून लेना है, थोड़ा सा लाल कर लीजिए प्याज को, और थोड़ा सा मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रहा हूँ। अदरक और लहसुन के पेस्ट से इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाता है। इसको अच्छे से लाल कर लीजिए भून के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 1 मुट्ठी के मटर। तो ये लाल अभी हुए नहीं है, जैसे ही लाल हो जाएंगे मैं इसमें 1 मुट्ठी मटर ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी लाल हो चुके हैं, मैं 1 मुट्ठी मटर इसमें डाल रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा भून लीजिए ताकि मटर भी पक जाए। प्याज इसमें ज़्यादा पके हुए चाहिए थे इसलिए हमने इनको अच्छे से लाल किया है। मटर भी लगभग 1-2 मिनट में पक के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मैं आगे कुछ सामग्री और ऐड करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके बाद इसमें डालने वाला हूँ टमाटर का, 2 टमाटर की प्यूरी बना के हमने तैयार करके रखी है। मटर मेरे 50-60% पक चुके हैं, तो ये अब इसको अच्छे से घुमा लेते हैं। और इसमें घर की 1 दिन की मलाई
एकदम फ्रेश, जो एक ही दिन पुरानी हो इससे ज़्यादा ना हो, वो डाल दीजिए आप थोड़ी। ये देखिए दूध के ऊपर से हमने निकाली एकदम फ्रेश मलाई, वो डाल दी। इसको अच्छे से घुमा लीजिए। अब इसमें मसालों की कमी बाकी है, तो पहले अच्छे से घुमा लीजिए। नमक और मसाले और जो हमारी मलाई है वो एक साथ नहीं डालनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले मलाई डाल के इसको थोड़ा सा पकाया। अब मैं इसमें मसाले डालूंगा। सबसे पहले नमक डाल लेते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया मसाला, काली मिर्च, हल्दी, किचन किंग, जो भी आपको पसंद हो स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मैं इसको हल्का सा ढक के भी पकाऊंगा ताकि इसके मटर और मसाले सब अच्छे से पक जाएं। आप चाहें तो हल्का सा इस वक्त पानी भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं ढक देता हूं इसे और उसके बाद दो ही मिनट के बाद मैं इसे हटा लूंगा। मटर भी हमारे अच्छे से पक गए होंगे और मसाले भी। तो चलिए इसमें फटाफट से अब हम एक गोभी अपनी जो हमने फ्राई करके रखी थी वो डाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से तैयार हो गई है। गोभी को थोड़ी सी देर नीचे वाली साइड से लगने देते हैं इसमें सारे मसाले, और फिर पलट के इसको अब हम अच्छे से इसमें तोड़ लेंगे। या आप तोड़ के भी फ्राई कर सकते थे या आप ऐसे भी गोभी को तोड़ लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया, सारी की सारी गोभी हमारी टूट जाएगी इजीली। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनके तैयार होती है गोभी की ये। अब दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और ला रहे हैं जो आगे ऑप्शनल है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं लेकिन आगे हम इसमें एक चीज़ स्पेशल और डाल रहे हैं, आप इसे उस तरीके से भी ले सकते हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, गोभी के साथ साथ हमने ना थोड़ा सा आलू भी फ्राई करके रख लिया था। तो हम क्या करेंगे दिखाते हैं आपको, आलू इसमें थोड़ा सा फ्राई करके रखा था जो छोटा छोटा, वो उसी गोभी में हम मिलाएंगे अभी फ्राई किया हुआ आलू भी। आलू बहुत जल्दी झटपट फ्राई हो जाता है, तेल अच्छा गर्म था हमारा। तो चलिए सारा का सारा ये आलू निकाल लेते हैं अब, और इस आलू को भी हम उस गोभी में मिला लेते हैं। आलू अच्छा लाल हो चुका है और गोभी हमारी उधर पक चुकी थी। तो ये देखिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक दो मिनट अच्छे से पका लेंगे। आप चाहें तो ढक के भी पका सकते हैं। और ये आपकी बढ़िया गोभी की सब्जी या फिर आलू गोभी की सब्जी, जो भी आप इसे कहें, बढ़िया तैयार है। इस पे डाल लेते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और मक्खन, और इसका स्वाद कुछ नया आने वाला है। आज की जो रेसिपी है दोस्तों बेहद ही ज़्यादा खास है, हमने बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार करी है ये गोभी की आलू की सब्जी। कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं चलता हूँ, आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए।